और भी कलेक्शन है क्या हमारे? ये 30 रुपए वाली सारी है लो, सब 30 रुपए सेल का माल है। कितनी बढ़िया बढ़िया चपलियाँ देखो, 30 रुपए 150 150 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए। हेलो एवरीवन, आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इंदौर लोक मार्केट, जो थर्सडे के दिन लगता स्पेशली, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पटरी कलेक्शन दिखाऊंगी और क्या क्या कलेक्शन था पटरी पे वो सब दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे आपको स्लीपर्स मिल जाएंगी, वैली मिल जाएंगी, सूट मिल जाएंगे, प्लाजो सेट मिल जाएंगे, साड़ी मिल जाएंगे, सब कुछ मिलने वाला है। शोरूम वाला सारा कलेक्शन आपको पटरी पे मिलने वाला है, इतने कम बजट में कि आप पूछो ही मत। आपको सब कुछ बिल्कुल कम बजट में अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं ज्वेलरी भी दिखाऊंगी, जो तो फ्रेंड ज्वेलरी में ये सारा कलेक्शन मिलने वाला है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इस टाइप के मैं और बाकी प्राइस भी साथ में बता दूंगी वीडियो के, ठीक है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैंने साथ साथ लोकेशन बताया है और ताकि आपको सारी शॉप कंटिन्यू मिले। और ये मैंने एक ही लेन में बनाया और ये आपको शॉप ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको साड़ी दिखाने वाली हूँ जो दिवाली के लिए या अभी जो वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है उसके लिए बहुत बेस्ट है। शोरूम वाली साड़ी आपको पटरी मार्केट पर मिलने वाली है। आप समझ सकते हो अगर शोरूम की चीज़ हमें पटरी पर मिले तो कितने कम रेंज में मिलेगी, तो आपको खुद ही पता है। और जो लोग इंदौर लोक मार्केट जाते हैं उनको तो पता है वहाँ का प्राइस बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। जिसको नेट में नहीं लेना तो आपको अदर फैब्रिक में लेना है तो इस टाइप के फैब्रिक में भी मिल जाएगा आपको। मसलिन में अगर चाहिए मसलिन में भी साड़ियाँ मिल जाएंगी, इस टाइप की क्वालिटी में सारी साड़ियाँ मिलने वाली है आपको। प्राइस की बात करें तो बहुत ही कम बजट है, आपको प्राइस सुन के खुद ही लगेगा कि बहुत ज़्यादा सस्ता है, इससे सस्ता तो हो ही नहीं सकता। आपको 10,000 की साड़ी यहाँ पर इतने कम प्राइस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी था साड़ियों का कलेक्शन बिल्कुल लेटेस्ट था, नया था, अच्छा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबको पसंद आने वाला है, इस टाइप का सारी साड़ियों का कलेक्शन था। मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली ये शॉप। इस टाइप का भी आपको मिल जाएगा, आपको जो सिंगल कलर चाहिए वो सब कुछ मिलने वाला है। ये आपको कहीं नहीं जाना, आप मस्जिद से स्टार्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं साथ साथ लोकेशन बता दूंगी, आप वीडियो को स्किप मत करना। बस अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा लोकेशन। तो फ्रेंड्स अभी हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और आप लोगों का पूजा दिल्ली के चैनल पर वेलकम है। तो फ्रेंड्स यहाँ से होता है मार्केट स्टार्ट, तो हम देखते हैं क्या क्या कलेक्शन है पटरी मार्केट स्टार्ट, ठीक है। मैंने ये कलेक्शन कहाँ से लिया है, मैं आज बस स्टैंड से गई, बस स्टैंड होता है ना वहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। बस स्टैंड जाना, आप वहाँ से स्टार्ट करना। वैसे आप मेट्रो स्टेशन से भी स्टार्ट करते हो, बट ये मैं बस स्टैंड के पीछे का कलेक्शन दिखा रही हूँ। आप बस स्टैंड से जाओगे तो बस स्टैंड आप किसी से पूछ लेना कि इंदौर लोक का बस स्टैंड कहाँ है, वहाँ आपको ये कलेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। मस्जिद के पास है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप की आपको सैंडल मिल जाएंगी, ठीक है, जो स्लीपर टाइप में थी और हील टाइप में थी। ये सारी स्लीपर आपको सिर्फ 200 में मिलने वाली है, ठीक है। इस टाइप की यहाँ पे वैरायटी होगी, देख सकते हैं इस टाइप की बहुत अच्छा कलेक्शन था। बट इसका एक फॉल्ट था, मैं सच बोलूँ तो एक फॉल्ट ये था, यहाँ पर आपको अपने हिसाब मतलब अपने अकॉर्डिंग साइज़ नहीं मिलने वाला। अगर आपको जो चीज़ पसंद आ जाए उसका साइज़ नहीं मिलेगा, जो यहाँ पर है सिर्फ वही है, वो आपका नसीब अगर आपको आपके साइज़ का मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी जो भी सैंडल आप देख रहे हैं 200 की है, बट थोड़ा साइज़ का ये प्रॉब्लम है कि आपको अगर नहीं आया तो उसका छोटा बड़ा साइज़ नहीं मिलेगा, जो दिख रहा वही है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी आप ब्रांडेड सैंडल होती है, ये सारी जो शोरूम में लगी होती है, थोड़ा सा पुराने होने पे ये लोग इनको सेल पे लगा देते हैं 200 में, ठीक है। तो मैंने ये वाली स्लीपर ट्राई की थी, देख सकते हो, बट ये पैर में मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है, तो मैंने ये वापस कर दी क्योंकि इसका छोटा साइज नहीं था। तो हम लोग चलते हैं अब थोड़ा आगे। यहाँ पे थे बच्चों के स्वेटर, इस टाइप के आपको यहाँ पे जैकेट मिलने वाले हैं ओनली 200 के, ठीक है। ये भी आपको वहाँ पे जो मैंने स्लीपर दिखाया उसके बगल में है। अभी विंटर कलेक्शन आ चुका है, यहाँ पर इस टाइप का विंटर कलेक्शन था। यहाँ पर आपको 3 साल से लेके और आपको 14-15 के बच्चे मतलब 15 साल तक, 3 साल से लेके 15 साल के बच्चों के यहाँ पर आपको स्वेटर मिलने वाले हैं जैकेट टाइप में, इस टाइप के आपको मिलने वाले हैं। और इसके भी देख सकते हो बहुत सारे कलर होंगे, डिजाइन होंगे, हर टाइप का है। और ये इस टाइप के पैटर्न में आपको सिर्फ 200 में मिलने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप के आने वाले हैं यहाँ पे 200 में, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अगर वैसे नॉर्मल चाहिए तो वो 100 वाले थे, ठीक है, ये 200 में मिलेंगे जैकेट वाले, और 100 वाले भी मैं दिखा दूँगी आपको, ठीक है। तो ये इस टाइप में आपको और कलेक्शन दिखाती हूँ, ये सारे आपको 200 की रेंज में आने वाले। ये वाला भी बहुत प्यारा लग रहा था, रेड वाला देख सकते हो, ये भी आपको 200 का मिलेगा सिर्फ, ठीक है। और मैं दिखाती हूँ जो मुझे अच्छा अच्छा लगा पर्सनली, वो मैंने दिखाया आपको वीडियो में। तो इंदौर लोक में विंटर कलेक्शन आ चुका है, बहुत अच्छा है, जैकेट वैकेट भी बहुत अच्छी आ चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस टाइप का सारा कलेक्शन मिलने वाला है। ये ब्लू वाली जैकेट भी देख सकते हो, यहाँ पे ये सब कुछ आपको 200, बट हाँ यहाँ पे ये ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी, यहाँ पे आपको खुद जाना होगा, जाके आप
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप खुद जाना पड़ेगा आपको, जब आपको अब यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी की कोई फैसिलिटीज नहीं है। सीधा सीधा मतलब मैंने पूछा भैया से, भैया ने बोला नहीं ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि बहुत कम प्राइस की चीज़ों में कोई बजट नहीं होता कि वो वहाँ पे ऐसे पार्सल कराए या कुरियर करे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा तभी आप शॉपिंग कर सकते हो। तो ये आपको 200 रुपये में मिलने वाले हैं, ये बस स्टैंड के पीछे है, आप बस स्टैंड या मस्जिद आ जाना आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। 200 रुपये में मिलेंगे, ये मेट्रो स्टेशन के पास नहीं है, आप पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, बस स्टैंड के पास है, मस्जिद के पास है, जहाँ बस स्टैंड मस्जिद है ना, बड़ी वाली मस्जिद है, वहीं पर है ये कलेक्शन, ठीक है। जहाँ पर आपको 3 साल से लेकर 15 साल के बच्चों के जैकेट मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 200 में, ठीक है। इस टाइप का कलेक्शन था, देख सकते हो, बिल्कुल भी बेकार नहीं बोल सकते, इस टाइप का कलेक्शन आपको मिलने वाला यहाँ पे। और लेदर में चाहिए तो लेदर में मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइप का सब कुछ था तो आप लोगों को कुछ समझ में आ ही गया होगा किस टाइप का फैब्रिक है, ठीक है। ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूँ, इतने तो आप लोग भी समझदार हो। तो यहाँ पे मुझे जो ठीक लगा मैंने कैप्चर किया, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हाँ यहाँ पे किस वैरायटी में। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो, इस टाइप के सारे जो भी मैं दिखा रही हूँ, जितने भी आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सारे जैकेट आपको सिर्फ 200 रुपये में मिलेंगे। साइज़ का कोई वो नहीं होगा, चाहे साइज़ छोटा हो या बड़ा हो, प्राइस सेम रहेगा, कोई बार्गेनिंग नहीं होगा, फिक्स प्राइस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि बार्गेनिंग हो सकता है, बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ मन में मत लाना। यहाँ पे इस टाइप के आप लोग देख रहे हैं, ये सारे 100 वाले हैं, ठीक है, ये उस जैकेट के बगल में ही है। यहाँ पे इस टाइप के आपको मिलेंगे, ये इस टाइप के पैटर्न में होंगे, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे वही सेम, यहाँ पे थोड़े बड़े बच्चों का था, यहाँ पे 6-7 साल से लेकर 15 साल के बच्चों का था, यहाँ पे ये सारे 100 रुपये में मिलने वाले हैं इस टाइप के, ठीक है। और फिर हम लोग आ गए थोड़ा सा आगे, तो यहाँ मैंने देखा थोड़ा क्या कलेक्शन था, तो आप लोग देखो, ठीक है। इस टाइप के सारे जो भी आप लोग, ये 20-20 रुपये की सेल लगाई थी, ठीक है, ये गर्ल्स आइटम था, तो मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया, 20 रुपये में समझ में नहीं आया मुझे। फिर मैं उसके बाद इस वाली शॉप पे आई, ठीक है। यहाँ पे आप, मैं ये कंटिन्यू चल रही हूँ, ठीक है, मस्जिद से मैंने स्टार्ट किया था, मस्जिद से आप स्टार्ट करना, वहाँ से ये कंटिन्यू है सारी शॉप, ठीक है, वन बाय वन मैं एक ही लेन उसमें चल रही हूँ, मैंने कहीं भी कोई शॉप का नहीं किया, मैंने इसलिए किया ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। ये जितने भी आप सूट देख रहे हो सब 350 वाले हैं, ठीक है, ये मेन रोड है, कोई गली में नहीं जाना, मस्जिद से आप स्टार्ट करना, मस्जिद से आपको वन बाय वन सारी शॉप दिख जाएगी, ठीक है। ये लोकेशन है यहाँ पे, कोई भी दूसरी लोकेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस टाइप के आपको यहाँ पे नॉर्मल प्रिंटिंग सूट भी मिल जाएंगे सारे, जिस आप कोई भी लोगे, पर 350 का ही रहेगा प्राइस, यहाँ पे भी बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं होगा, बिल्कुल फिक्स प्राइस है। और ये सूट का इस टाइप का होने वाला है, देख सकते हो, इसका दुपट्टा भी होगा, और सूट की बात करते हैं, इस टाइप का इसका पैटर्न होगा, नीचे भी लेस लगी हुई है, और चुन्नी की बात करें तो चुन्नी भी इसकी थोड़ी सी लेस लगी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इस टाइप में आपको समझ में आ गया होगा, इस टाइप का कलेक्शन मिलने वाला है आपको। सिर्फ एक ही सूट मुझे दिखा, यहाँ पे देख सकते हैं, इस पैटर्न में आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 350 में मिलने वाला है, मतलब 350 तो बहुत ज़्यादा ही है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे था 350 में, बट ठीक था। यहाँ पे ये प्लाजो सूट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रेडीमेड प्लाजो मिलेगा, और जो इसका सूट होगा वो आपको रेडी कराना होगा। चुन्नी भी इसकी अच्छी है, ये देख सकते हैं, ये सूट का कपड़ा है, इसमें ये रेडी, पर प्लाजो इसका रेडी था, और चुन्नी ये वाली है, तो ये वाला भी आपको 350 में मिलने वाला है, ठीक है। ये वाला भी मुझे ठीक लगा। आप मस्जिद वाली, मस्जिद से स्टार्ट करना, आपको वन बाई वन सारी शॉप दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ 350 में मिलने वाला है, और यहाँ पर मैंने आपको कलेक्शन दिखा दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि दी आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ कैप्चर किया करो, ज़्यादा देर मत रुको, तो मैंने आज वही उनकी बात को ही फॉलो किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाले सारे जेंट्स के लोअर मिलने वाले हैं, 150 के रेंज के थे, यहाँ पे आप कोई भी लेते हो 150 है, बिल्कुल फिक्स प्राइस है, बिल्कुल भी यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होगा, नो डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें कि यहाँ पे आप बार्गेनिंग हो सकता है या कोई चांस है, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बार्गेनिंग की उम्मीद मत करना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस टाइप का कलेक्शन। तो अभी हम चलते हैं आगे, इसके आगे तो मैं उसी लेन में चल रही हूँ, सीधी सीधी स्टेज स्टेज, ठीक है। और साथ साथ में आपको कुछ देखो, अभी यहाँ पे मार्केट बहुत जगह नहीं लगी है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, वो बताऊँगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। पहले यहाँ पे चलो इस अंकल जी की शॉप पे चलते हैं, ये यहाँ पे बेचते हैं चप्पल, इनके पास चप्पल है कितने प्राइस की, 30, 20, 10, ठीक है, 10, 20, 30 की प्राइस की है। तो बच्चों की चप्पल होगी यहाँ पे 10 रुपीज़, जो छोटे बच्चों के, उससे बड़े की होगी 20 और बड़ों की होगी 30, ठीक है। तो ये 30 रुपये की चप्पल 30 की मिलेगी आपको यहाँ पे इस रेंज में, जो छोटे बीच के बच्चे हैं उनकी 20 की, और जो सबसे छोटे साइज़ है ये 10 रुपये की चप्पल है, ठीक है। तो ये भी आपको मस्जिद से स्टार्ट करोगे तो ये वाले आपको मिलने वाले हैं अंकल जी, और इन अंकल जी का फेस मैं दिखा देती हूँ, ये सिर्फ यहाँ पर चप्पल बेचते हैं, ठीक है। तो ये है वो अंकल जी। और भी कलेक्शन है क्या? ये 30 रुपये वाली सारी है, सब 30 रुपये सेल का माल है, कितनी बढ़िया बढ़िया चप्पलें हैं देखो, 30 रुपये, 150, 150, 30 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देख सकते हो स्लीपर मिल रही थी, ये सारी स्लीपर जो मैंने दिखाया है नई बड़ी वाली सारी आपको 30 के रेंज में मिलने वाली है। ठीक है, ये अंकल जी है, इनका फेस देख लो, ये आपको यहाँ पे आपको 10, 20, 30 के रेंज में चप्पल मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी शॉप के आगे हम चलते हैं नेक्स्ट शॉप पे, और अंकल जी को अपना फेस रिवील कराया था उन्होंने वाला मुझे में डालो, तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ा कैप्चर कर लेते हैं उनको भी। तो यहाँ पे आपको वही मिल रहा था सेम 100 में सेल लगी हुई थी, यहाँ पे 100 में आप यहाँ पे वही जैकेट और वो हुडी कुछ भी ले सकते थे इस टाइप की, यहाँ पे दिखाते हैं टी शर्ट टाइप में भी ड्रेसेस थी, लोअर भी थी, यहाँ पे आपको 100 में मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाले भैया होंगे, और यहाँ पे इस टाइप के देख सकते हो, इस टाइप में आपको विंटर का कलेक्शन मिलने वाला है इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप आके 100 में ले सकते हो ये विंटर का कलेक्शन, और ये वाले भैया होंगे यहाँ पे, और इस टाइप की आपको हुडी मिलने वाली है। तो ये भी बहुत अच्छा था कलेक्शन यहाँ पे 100 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे बड़ों का था जेंट्स का था। तो इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट शॉप पे, तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों का कलेक्शन। तो यहाँ बच्चों का जो था बड़े बच्चों का था, यहाँ आपको 10 साल से लेके 16-17 साल के बच्चों का मिल जाएगा, गर्ल्स का था, बॉयज़ का भी था, पर यहाँ पे मैंने गर्ल्स का कैप्चर किया। तो ये वाली पैंट आपको ओनली 150 की मिलने वाली है, बहुत ही कम प्राइस था, और इस पर ऐसे ही थोड़े से पर्ल्स लगे हुए थे मोती, तो आप लोग देख सकते हो ये आपको सिर्फ 150 की मिलने वाली है, और बाकी यहाँ पे और भी कलेक्शन था सो इस टाइप का होने वाला है, सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे कुछ इस टाइप की भी थी फ्लावर प्रिंट में, ये भी आपको 150 की रेंज में मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे कोई बार्गनिंग नहीं होगा, फिक्स प्राइस था, तो ये आपको यहाँ पे सेम प्राइस मिलने वाला। बाकी इसके बगल में जहाँ बॉयज़ का कलेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे बॉयज़ का भी वही सेम प्राइस था 150, तो यहाँ 150 में ले सकते हो पैंट। यहाँ पे और भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको 4G प्रिंट में मिल जाएगा, और कलर्स की बात करें तो आपको सारे कलर मिलने वाले हैं। यहाँ पे भी छोटे बच्चों की पैंट थी, ये आपको 150 में मिलने वाली है। यहाँ पे आपको टी शर्ट और शर्ट भी मिल जाएगी, ठीक है, उसका भी कलेक्शन था। तो यहाँ पे बाकी इन्होंने स्टॉक में रखा था, अभी मार्केट लगना स्टार्ट हुआ था, वो कम्प्लीटली मार्केट नहीं लगा था, तो देख सकते हो यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा सा लगाया, बाकी इन्होंने अभी मार्केट नहीं लगाया। तो आप लोग यहाँ पे जाओगे तो आपको अच्छे से सारा दिखा देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे शर्ट की बात करते हो, इस टाइप की शर्ट मिलने वाली है, यहाँ पे आप कुछ भी लोगे तो 150 की रेंज में ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको गर्ल्स का बॉयज़ का दिखा दी, कि मैं मस्जिद की लेन से चल रही हूँ, मस्जिद की लेन से कंटिन्यू आपको वन बाय वन ये सारी शॉप दिख जाएंगी, आप बस सीधे चलना। देखो यहाँ पे अभी मार्केट लगना स्टार्ट हुआ है, अभी कम्प्लीटली मार्केट नहीं लगता 7 बजे, देख सकते हो अभी लगना स्टार्ट ही हुआ है। तो यहाँ पे इस टाइप में अभी स्टार्ट होकर फिर ये 11 बजे तक, मतलब मेनली तो जो मार्केट होता है 10 बजे के बाद ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस टाइप का सुबह मॉर्निंग टाइम पे ऐसा मार्केट मिलेगा, खाली खाली देख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे छोटे बच्चों के फ्रॉक भी मिलने वाली है आपको। ठीक है, अगर किसी को ऐसा लगता है विंटर ही कलेक्शन रहता है, नो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे आपको समर कलेक्शन भी मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आ गई इस वाली शॉप पे, तो ये थोड़ा आगे आने पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको इस टाइप की स्लीपर्स मिल जाएंगी और वैली टाइप में मिल जाएगी, सारी आपको 100 की सेल में लगी हुई थी, यहाँ पे आप कोई भी लोगे तो 100 मिल जाएगी। मैं पास से दिखा देती हूँ, इस टाइप की स्लीपर आपको 100 में मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे जो वैली टाइप की थी ट्रांसपेरेंट में भी थी, वो भी आप ले सकते हो 100 में ही। ठीक है, ये वाली भी आपको 100 में मिलने वाली है, बहुत ही देख सकते हो इजी भी में डेली वेयर के लिए बहुत बेस्ट है, 100 में आजकल कुछ नहीं आता, बट यहाँ पे 100 में आपको ये स्लीपर मिल जाएगी। ये भी आपको मस्जिद की लेन से कंटिन्यू स्टेट से जाओगे तो आपको ये वाले में शॉप मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं इस वाली शॉप पे। तो यहाँ पे थे छोटा बच्चा, यहाँ पे ये चूड़ी बेच रहा था 10 की 2, 10 की 2, 10 की 2। तो यहाँ पे आप कांच की चूड़ियाँ ले सकते हो, यहाँ पे आपको 10 रुपये की 2, मतलब 5 का 1 मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप की चूड़ियाँ मिलने वाली है आपको, कांच की चूड़ियाँ ये। ठीक है, ये 10 की 2 मिल रहा है, 5 का 1 मिल रहा है, तो इस टाइप का आप यहाँ पे जाके ले सकते हो कलेक्शन। यही चीज़ें अभी शॉप पे जाओगे इतनी महंगी देते हैं, और सावन में तो इतना ज़्यादा महंगा था, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे बहुत सस्ती है, यहाँ पे सिर्फ ये 10 रुपये के 2 दे रहे हैं, 5 रुपये का 1। तो यहाँ पे भी आप जाके शॉपिंग कर सकते हो, बहुत अच्छा था। ये छोटा सा लड़का है, उसका फेस मैंने नहीं दिखाया, उसने मना किया तो मैंने नहीं दिखाया। ठीक है, जो मुझे मना कर देता मैं नहीं दिखाती हूँ उनका फेस। ठीक है, तो उसके आगे मैं चलती हूँ नेक्स्ट शॉप पे आगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या कलेक्शन है। तो इस टाइप का यहाँ पे कलेक्शन लगा होता है, पटरी मार्केट जो बोलते हैं, यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो सैंडल्स, यहाँ पे 150 के फिक्स प्राइस है, यहाँ पे आप कोई भी बड़े छोटे बच्चे किसी का भी लो आपको 150 की ही मिलेगी, बट यहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, बिल्कुल फिक्स प्राइस है। तो इस टाइप का आपको बच्चों बड़े सबके मिल जाएंगे, बट ये 150 फिक्स प्राइस में होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये वाली शॉप भी पटरी मार्केट में मिलेगी, बिल्कुल रोड पर चल रही हूँ मैं, कहीं गली में नहीं जाना आपको। यहाँ पे लेसिस थी, लेसिस देख सकते हो, इस टाइप की लेसिस आपको यहाँ पे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये
रुपये 30 रुपये मीटर मिलेगी। 5 रुपये लेसेस कौन सी थी वो दिखा देती हूँ। ये वाली लेसेस आपको मिलेगी 10 से 15 रुपये की, ये वाली जो देख रहे हो। वैसे तो भैया ने बोला था 15, पर 10 में किसी मेरे सामने कोई लेके गया, ठीक है, बट ये इनके अकॉर्डिंग 15 रुपये थी। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको और कलेक्शन। तो ये जो सारी लेसेज है 10 रुपये 15 रुपये, और ये जो इधर देख रहे हो आप लोग, ये वाली सारी, ये कोई भी लेसेज ले तो सिर्फ 5 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो, दिखा सकते हो, ये सिर्फ 5 रुपये मीटर मिलेगी। ये जो इधर है ये रोल वाली इसका फिक्स है, मतलब ये 5 रुपये वाली फिक्स है, उधर वाले का थोड़ा अलग अलग प्राइस था, बट इन वाली का सबका सेम है 5 रुपये मीटर, ठीक है। ये लोकेशन कहाँ होगी, ये वाली बिल्डिंग देख रहे हो ना आप लोग, इस बिल्डिंग के नीचे है ये वाला बिल्डिंग, देख सकते हो इसके नीचे लेस। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, अच्छा कलेक्शन है, ठीक है। अगर आपको ब्लाउज के लिए वो चाहिए लेसेस चाहिए तो वो भी मिल जाएगी यहाँ पे, डोरी वाली चाहिए तो डोरी मिल जाएगी। तो यहाँ का भी कलेक्शन बहुत अच्छा था। तो उसके आगे यहाँ पे ये वाली कलेक्शन देगा, यहाँ पे आपको 20, 30 और 50, ठीक है। आपको यहाँ पे जो 100 की चीज़ें 50 मिलने वाली है, 20 की और 30 की। तो मैं दिखा देती हूँ, जो आपको लास्ट रो में दिख रही है 50 वाले मिल जाएंगे, जो दिख रहे हो लास्ट वाले, जो सेकंड नंबर पे वो 30 के रेंज में मिलने वाले हैं, देख रहे हो इस टाइप का होगा कलेक्शन, ठीक है। तो आप लोग ये भी आप थर्सडे को जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ये जो नीचे ये 20 के रेंज में मिल जाएगा, ठीक है। तो 20, 30 और 50 के रेंज के, जो सबसे ऊपर दिख रहा है वो 50 वाले सारे, ठीक है। तो इसके आगे मैं चलती हूँ नेक्स्ट शॉप पे। तो यहाँ पे था सूट का कलेक्शन, तो देखते हैं यहाँ पे किस टाइप के सूट थे इनके पास, ठीक है, तो किस किस क्वालिटी के थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस टाइप का सूट का कलेक्शन है, यहाँ पे तो वही सेम प्राइस रहता है 350, पर कोई बोलता है 400, पर 350 में वो दे देगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप 350 से ज़्यादा किसी को मत देना, बट क्वालिटी देख के भी पता चल जाता है। बट इन्होंने बताया था मुझे 400, बट 350 के रेंज के अकॉर्डिंग बहुत ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सूट देख सकते हो इस पैटर्न में था, बट ये सूट सच में रियल बहुत अच्छा था। मैंने ये सूट फ्लिपकार्ट से मंगाया था, ठीक है, मुझे 1600 का मिला था ये सूट। सेम फैब्रिक था, सेम डिज़ाइन था, सेम, बस उसमें प्लाजो रेडीमेड था, इसका प्लाजो रेडी करवाना पड़ेगा, चुन्नी सेम थी। ये मैंने सेम सूट देखा था फ्लिपकार्ट से, 1600 रुपये का बताया था उसमें, ठीक है। बट कि यहाँ पे आपको सिर्फ 350 में मिलने वाला है, वैसे उन्होंने 400 बाद में बोला कि 350 में कर देंगे। तो अभी हम लोग आ गए बेडशीट की शॉप पे। कितने की थी बेडशीट? सिंगल डबल 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 200 रुपये की है, ताकि ये दे दूं। वो ले ली जयपुर और वो ले नीचे वाली, ये दोनों। हाँ खुल जाए, पन्नी में डाल दो, 200 में देंगे। डबल बेड तकियों वाली 200 में, सिंगल तो फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, आपको 200 की डबल बेड की बेडशीट मिलेगी, और सिंगल अगर चाहिए 180 की मिलेगी, भैया ने भी बोला। तो इसके बाद मैं आ गई इस मैट की शॉप पे। यहाँ पे आपको 150 की दो मैट मिल रही थी, इस टाइप की होगी मैट्स, ठीक है, बहुत अच्छी थी क्वालिटी वाइज, तो ठीक है। ये आपको 150 की दो मैट मिल जाएंगी यहाँ पे, और बड़े वाले मैट भी चाहिए तो यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको 400, 500, 600 जितने बड़े चाहिए आपको अलग अलग प्राइस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। पीछे आप लोग को दिख रहा होगा कितने बड़े बड़े भी मैट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा बार्गेनिंग करा लेना, बट इन वाले जो 150 के दो थे ये वाले ठीक थे, इसमें बिल्कुल भी नहीं था जरा सा भी प्राइस ज़्यादा कि हम बोल सके ज़्यादा है। तो इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट शॉप पे। तो इसके आगे यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का कुछ बेल्ट का कलेक्शन था। आगे चलते हैं, तो हम लोग आ गए इस फाइनली साड़ी की शॉप पर। तो यहाँ पर पूछते हैं साड़ी का प्राइस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस टाइप की साड़ी आपको मिलने वाली है, इन भैया के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 1500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 1500 की साड़ी है, बट इसमें देख सकते हो जड़ी का काम था, ठीक है, मैं पास से दिखा दूँगी। ये वाली जो नेट की साड़ी देख रही हो ये इन भैया के अकॉर्डिंग थी 1100 रुपये की। तो ये भी आप बार्गेनिंग करवा कर ले सकते हो, क्योंकि थोड़ी इसमें बार्गेनिंग हो जाएगी, बट ये थोड़ा नेट फैब्रिक की थी, ठीक है। यहाँ पे और मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे सब साड़ी में बार्गेनिंग, उन्होंने बोला कि अगर लेना हो तो बार्गेनिंग कर देंगे वो, ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़ा के उन्होंने बताया। बट ये साड़ी आपको आराम से 700, 800, 600 की रेंज की मिल जाएंगी, ठीक है, बट थोड़ा बार्गेनिंग करवा लेना, बट ऐसे मेरा नाम मत लेना आप, ऐसे उनसे बोलना और वो कर देंगे। बट इनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी में दी थी कि ये वाली साड़ी बहुत प्यारी लगती थी 1500 की, इसमें काम भी था उतना। सो इस टाइप की मोती होंगे वाइट वाले पूरी साड़ी पे थे, ठीक है, और उसका फैब्रिक तो पूछो मत, बहुत मसलिन का था। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी, सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये की साड़ी थी, देख सकते हो इस टाइप की क्वालिटी, और फैब्रिक देख सको इस टाइप, ये सर जयपुरी लुक में थी ये साड़ी, ठीक है। यहाँ पे ये वाली भी आपको 600 मिलने वाली है, येल्लो कलर की साड़ी, ठीक है। ये रेड वाली जो देख रहे हो ये 550 की है, ठीक है, ये भी आपको बहुत प्यारी साड़ी थी। बाकी यहाँ पे जो ये कलर की साड़ी देख रहे हो ये भी बहुत प्यारी थी, इसमें वाइट मोती का वर्क है और इस टाइप का हैवी लुक आएगा, ठीक है। तो ये साड़ी भी आपको 1500 की रेंज में मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे इनके पास जो स्टार्टिंग प्राइस था 300 से था, ठीक है, आप 300 से लेके 2000 की रेंज में अच्छी अच्छी साड़ियाँ ले सकते हैं। बाकी मैं आपको ये टाइप की बताऊँ तो ये थोड़ी सी कॉस्टली थी साड़ी, बट मैं इसको छोड़ के और भी साड़ियाँ दिखाती हूँ जो आपको आपके बजट में आ जाएगी। बट इसका इस टाइप का होगा, देख सकते हो बॉर्डर, इसमें बिल्कुल जड़ी का काम था, बहुत ज़्यादा बारीक का काम था, इसकी वजह से ये कॉस्टली थी। यहाँ पर और
कलेक्शन दिखाते हैं। ये वाली साड़ी भी आपको बहुत कम प्राइस में मिलने वाली है। यहाँ पे आपको यहाँ पे 700 से 800 रेंज की मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आपको जयपुरी साड़ी भी दिखाऊंगी, ठीक है। ये वाली साड़ी भी बहुत प्यारी लग रही थी, तो इस टाइप की पैटर्न की आपको यहाँ पे मिलने वाली है साड़ी, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग था 300 है, ठीक है, 300 से स्टार्ट होता है साड़ी का प्राइस। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगी 100-200 फ्री का, बिल्कुल नहीं है, 300 से स्टार्ट है। बाकी अपने बजट के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए, ठीक है। आप अपने बजट और फैब्रिक देख के और थोड़ा बारिंग करवा के ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाली और कलेक्शन, यहाँ पर था एक जयपुरी साड़ी, ठीक है, जो मैं अभी भैया से बोलती हूँ। तो यहाँ पे दिखाने वाली वो जयपुरी ये वाली साड़ी, ये वाली आपको सिर्फ यहाँ पे 600 रुपये की मिलने वाली है। इस टाइप की जयपुरी लुक में होगी, इसे चुंदरी साड़ी भी बोलते हैं। वो एक इसका डार्क पिंक था, ये थोड़ा रेड कलर में आएगा। इसकी जो लोकेशन होगी मैं इसका देख सकते हैं, ये वाली जो बिल्डिंग है वहीं पर है। मैं आज इस लेन में ही चल रही हूँ, आप मस्जिद की लेन से वहाँ से स्टार्ट करना, आपको सारी शॉप दिख जाएगी कंटिन्यू। ये सारी साड़ियाँ बहुत अच्छी थी, देख सकते हो। बस ये थोड़ी, ये जो वाली एक साड़ी थी वो थोड़ी कॉस्टली लगी मुझे, बट बाकी साड़ियाँ सब अच्छी थी रेंज के अकॉर्डिंग, 600-700-800 की रेंज की थी। बट वो जो मैंने दिखाई वो 1500 की थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आगे आई, यहाँ पे इस टाइप का पटरी मार्कर कलेक्शन लगा होता है। ये बर्तन की भी शॉप लगती है, यहाँ पे माइक्रोवेव में सारी यूज़ कर सकते हो आप इस टाइप के बर्तन। यहाँ आपको 50, 100, 150 के रेंज के बहुत अच्छे मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आप जाके एक बार ज़रूर विजिट करें, ठीक है। मेरी मानो तो ज़रूर करना चाहिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। और हम चलते आगे, तो इस टाइप का क्राउड था मॉर्निंग टाइम पे, लोग इस टाइम पे भी जा रहे थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो मार्केट देख रहे हो, इस टाइप पे हमें सीधे सीधे चलना है, ठीक है, रोड पे चलना है, कहीं गली में नहीं जाना। आज मैंने सिर्फ रोड का ही कलेक्शन लिया है। यहाँ पे तो इस टाइप के सनग्लासेस, और सनग्लासेस का जो प्राइस था 150 था, ठीक है। इस टाइप के सनग्लासेस आपको 150 में मिलने वाले हैं, सो देख सकते हो ये 150 में मिलेगा। और बाकी इनके पास और भी कलेक्शन है सनग्लासेस के, सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा। ये वाला भी आपको अगर चाहिए इस टाइप में भी मिल जाएगा ट्रांसपेरेंट, और भी कलेक्शन है इनके पास, तो देख सकते हो। मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है सनग्लासेस की, तो ये जो भी सनग्लासेस यहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हो, यहाँ आपको 150 बताएंगे ये भैया, ठीक है। यहाँ पे आपको इस 150 के अकॉर्डिंग, बट इनका फिक्स प्राइस है, कोई बार्गेनिंग नहीं होगा, ठीक है। मैंने पूछा बट इन्होंने बोला नहीं कोई बार्गेनिंग नहीं है, फिक्स प्राइस होगा। तो इस टाइप के भी यहाँ पे आपको सनग्लासेस मिलने वाले हैं, तो इस अगर किसी को चाहिए, बहुत को पसंद होते हैं, मुझे भी है ऐसे इस टाइप के पसंद। तो इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट शॉप पे, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कलेक्शन है। यहाँ पे वॉलेट मिल जाएंगे आपको इस टाइप के भी, यहाँ पे देखते हो कुछ ज्वेलरी थी, तो इसका क्या प्राइस था। तो ये जो आप देख रहे हो बैंगल थे, रिंग्स थी, ये आपको 150 की रिंग मिलने वाली है। इस टाइप की रिंग है डायमंड लुक में, और यहाँ पे आपको ब्रेसलेट मिल जाएंगे, ये बैंगल मिल जाएंगे, इसका पेयर मतलब जोड़ा मिलेगा 100 का। कोई 100 का भी था, कोई 150 का भी था, तो अलग अलग प्राइस था सबका इसमें, बट आपको डबल मिलेगा, पेयर मिलेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे मंगलसूत्र का डिज़ाइन दिखाती हूँ, यहाँ पे मंगलसूत्र के डिज़ाइन में यहाँ पे आपको ब्रेसलेट कुछ भी लोगे 150 के रेंज में था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये वाले आपको डायमंड लुक में 150 में मिलने वाला है मंगलसूत्र, और इस मतलब बहुत प्यारे प्यारे थे। आपको अगर गोल्ड लुक में चाहिए तो गोल्ड लुक में मिल जाएंगे। इस टाइप के सारे आपको सारे 150 वाले हैं, ये सारे जो भी आप देख रहे हो अलग अलग कलेक्शन था सबका। और इस टाइप के पैटर्न में आपको ज्वेलरी, ब्रेसलेट, और यहाँ पे भी और कलेक्शन था, एयरिंग्स, रिंग्स, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपको उसी लेन में है, सीधे सीधे रोड पर ही है सारा, ठीक है, वन बाय वन यहाँ पर बड़ी रिंग्स मिल जाएगी। तो उसके आगे मैं यहाँ नेक्स्ट आगे शॉप पर चलते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। इतना क्राउड रहता हमेशा, तो ये नहीं है आज ही है, ये हर थर्सडे मार्केट को रहता है, ठीक है। इसलिए अभी मॉर्निंग टाइम पे थोड़ा कम है, और अगर आप दिन में जाओगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, लिमिट से ज़्यादा, जो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे साड़ियाँ मिल जाएंगी आपको इस टाइप की, इस टाइप की सिंपल साड़ियाँ भी मिलने वाली है आपको, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ तो आपको ये यहाँ पे बनियाइन मिल जाएंगी जेंट्स के लिए, सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पे, सब कलेक्शन मिलता है। फिर हम चलते इस शॉप, इस गली के अंदर, ठीक है। तो ये गली में जाना है, और इसमें एक इधर से जाओगे तो आप अंदर भी चले जाओगे, यहाँ से सीधा रोड जाता है डिस्पेंसरी का, ठीक है। तो यहाँ पे थे कुछ ब्लाउज के कलेक्शन, तो इन ब्लाउज का पूछते हैं क्या प्राइस था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप के यहाँ पे ब्लाउज थे, तो यहाँ पे 200 और 100 वाले ब्लाउज थे, जो पीछे है ये 200 वाले ब्लाउज है। ये आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही थे गेट पे, ठीक है, डिस्पेंसरी रोड जब आप जाओगे रोड से, तो इस रोड से जाते हैं। ये वाले जो दिखाए इन्होंने, ये 100 रेंज में मिल जाएगा, ये आपको 100 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप में होगा बनारसी लुक में, इसमें भी पैडेड होते हैं सारे, जितने भी आप दिखाऊँगी मैं सारे पैडेड ब्लाउज हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको ये 100 का, ठीक है। तो यहाँ पे इसके और कलर्स मिल जाएंगे सारे, बट ये इस टाइप की क्वालिटी में आएंगे 100 वाले। और इनके पास दो ही कलेक्शन थे, 100 और 200, तो 200 वाले हम देखते हैं 200 में क्या क्या कलेक्शन था।
तो मैं आपको दिखाती हूँ 200। तो यहाँ पे देखते हैं 200 में, इनको बोलती हूँ तो ये दिखाते हैं अंकल जी। तो देखते हैं इनके पास 200 में क्या क्या है। बट उसमें जो 200 में था, इस टाइप का सारा इन्होंने मुझे सारा ही दे दिया। तो ये इस टाइप के पैटर्न में आपको हर कलर मिल जाएगा, थोड़ा सिक्वेंस में है। और उसकी बाजू अगर आपको चाहिए तो नेट में मिल जाएगी, इस टाइप में आपको मिलने वाला है। और इससे सारे कलर मिल जाएंगे, रेड, ब्लैक, गोल्डन, इसके सारे कलर मिल जाएंगे आपको। अगर मल्टी कलर में भी चाहिए तो वो मिलिए, सिर्फ आपको 200 में मिलने वाला है इस टाइप का। देख सकते हो ये सारे ब्लाउज जो भी मैंने दिखाए आपको 200 वाले हैं, ठीक है। 100 वाले सिर्फ वो थे, ये 200 वाले। बाकी मैं आपको पीछे दिखा देती हूँ, ये भी 200 है। ये जो चुन्नी देख रहे हो ये आपको 100 की मिल जाएगी यहाँ पे 100 रुपये में। और ये ब्लाउज भी 200 वाले पीछे, ठीक है। ये सारे आपको 200 के मिलने वाले हैं। 100 का सिर्फ वो बनारसी लुक में ही मिलेंगे सेम, जो ये है ये सारे 100 के जो यहाँ एक लेयर में, ठीक है। इनके पास 200 वाले कलेक्शन ज़्यादा थे। यहाँ पे मैं आपको चुन्नी का कलेक्शन दिखाऊँ तो ये चुन्नी आपको 100 रुपये में मिलने वाली है, 100 रुपये में। यहाँ पे आप कोई भी चुन्नी लोगे आपको 100 की मिल जाएगी। और अभी हम चलते आगे। तो आगे तो फ्रेंड्स यहीं का ये व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। अगर आप वीडियो तो जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो देख सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलती हूँ, आज मैंने एक चोर को देखा और मैंने उसकी वीडियो बनाई, बट मैंने वो अपलोड नहीं की, मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, ठीक है। एक्चुअली आप लोग बच के रहें, ठीक है। चोर को देख के लगता नहीं है कि वो चोर है, ठीक है। तो प्लीज़ उनसे बच के रहे, अलर्ट रहे, आपके आगे पीछे भी कोई चोर हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ये मत सोचना कि ये ठीक, ये फेस से शरीफ लग रही है तो ये चोर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक वीडियो शेयर करूँगी, आप उससे आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि ये सच है या सब झूठ है। तो चलो फ्रेंड्स अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो फिर हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय।